सीआईटी एनसीई आर टी प्रेजेंट्स ट्रायलिंग डिक्शनरी ऑफ ज्योग्राफी फॉर स्कूल्स भूगोल विद्यालयों के लिए त्रिभाषी शब्दकोश जोग्राफिया की लगत स्कूलों के लिए सहेलानी इंडेक्स इंग्लिश लेटर बी बैडलैंड्स पेज ट्वेल्व बजारा पेज ट्वेल्व Balance of Trade. Page 12. Bar. Page 12. Barchan. Page 12. Bar Graph. Page 13. Barometer. Page 13. Barrier Reef. Page 13. Barter. Barter System. Page 13. Basalt. Page 13. Base Level. Page thirteen. Base population. Page thirteen. Basin. Page thirteen. Batholith. Page thirteen. Basic industry. Page thirteen. Bauxite. Page thirteen. Bay. Page thirteen. Beach. Page thirteen. Berg. Page Fourteen Biodiversity Page fourteen Biogas Page fourteen Biogeography Page fourteen Biomass Page fourteen Biome Page fourteen Biosphere Page fifteen Biotic Page sixteen Birth rate. Page sixteen. Bituminous coal. Page sixteen. Black gold. Page sixteen. Black cotton soil. Page sixteen. Blizzard. Page sixteen. Block mountain. Page sixteen. Boulder. Page sixteen. Brackish water, page 16. Breeze, page 16. Bunding, page 16. Now let's move to the dictionary of geography, letter B, page 12. Badlands, a highly dissected landscape having a network of deep gullies. With intervening sharp ridges and pinnacles. In arid and semi arid lands, concentrated surface runoff on comparatively less resistant materials, rocks, soils, etc., cause excessive erosion. This leads to formulate innumerable channels which deepen into steep walled trenches, ravines. Chambal ravines is an example of bad land in India. उत्खात भूमि एक अत्यंत विच्छेदित दृश्य भूमि जहाँ गहरी अवनालिकाओं का मध्यवर्ती कटक एवं शिखारिकाओं के साथ जाल बना हुआ है शुष्क एवं अर्धशुष्क स्थल प्रदेशों में संकेंद्रित सतही वाह अपेक्षाकृत कम प्रतिरोधक पदार्थों जैसे शैले मृदाएं इत्यादि पर अत्यधिक अपर्दन करता है इसके कारण असंख्य वाहिकाएं बन जाती हैं जो गहरी खड़ी खड भित्ति खाइयों का निर्माण करती हैं भारत में चंबल के खड्ड उत्खात भूमि के उदाहरण हैं कटी फटी जमीन खड़ी सतीहों और बुलंद टीलों की दखल अंदाजी के साथ गहरी नालियों के जाल से बना इंतहाई कटा फटा जमीनी मजहर खुश्क और नीम खुश्क जमीनों में इर्तिकाजी सतह पर निस्पतान कम मजाती मादों के बहाव चट्टानों मिट्टियों वगैरह इंतहाई कटाव का, का सबब बनते हैं इससे बेशुमार चैनल बनते हैं जो खड़ी दीवारी खाई को गहरा करते हैं हिंदुस्तान के चंबल में कटी फटी जमीन को रिवाइन कहते हैं बजादा जेंटल स्लोप फॉर्म्ड बाय कंजेकेटिव सीरीज ऑफ अलूवियल फैन्स अलोंग द फुट ऑफ अ माउंटेन रेंज फाउंड एन एरिड और सेमी एरिड रीजन बहादा शुष्क अथवा शुष्क प्रदेश में पाया जाने वाला मंद ढाल जो पर्वतमाला के पद के साथ साथ जलोढ़ पंखों की क्रमागत श्रृंखलाओं से बना है बजादा खुश्क या नीम खुश्क इलाकों में पहाड़ी सिलसिलों के कदमचे पर सुस्त ढाल के सैलाबी पंखों का लगातार सिलसिला बैलेंस ऑफ ट्रेड द रिलेशनशिप बिट्वीन द पेमेंट्स मेड बाय अ कंट्री फॉर इट्स इम्पोर्ट्स एंड द सीड्स फॉर इट्स एक्सपोर्ट्स एन एक्सेस ऑफ एक्सपोर्ट ओवर इम्पोर्ट मेक्स अ फेवरेबल पॉजिटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड द कन्वर्स एंड अनफेवरेबल नेगेटिव बैलेंस फॉर अ कंट्री व्यापार संतुलन किसी देश द्वारा आयात के लिए दिए गए भुगतान और निर्यात से प्राप्त आय के बीच का संबंध आयात से निर्यात की अधिकता देश के लिए अनुकूल सकारात्मक व्यापार संतुलन तथा इसके विपरीत प्रतिकूल नकारात्मक व्यापार संतुलन दर्शाता है तिजारती तवाजुन किसी मुल्क के जरिए दरामद पर अदायगी और बरामद पर वसूली के बीच का रिश्ता दरामद के मुकाबले ज्यादा बरामद मुस्बत तिजारती तवाजुन और उसके बरक्स मनफी तिजारती तवाजुन कहलाता है बार वन अ लिनियर डिपॉजिट ऑफ सैंड और मड इन अ रिवर चैनल और अलॉन्ग सी कोस्ट टू यूनिट टू मेजर एटमोस्फेरिक प्रेशर मिलीबा इज कॉमनली यूज फॉर दिस रोधिका एक नदी प्रणाल वाहिका में अथवा समुद्र तट के साथ बालू अथवा पंक का रैखिक निक्षेप दो वायुमंडलीय दाब को मापने की एक इकाई इसके लिए सामान्यतः मिली बार का प्रयोग किया जाता है बार एक नदी या साहिले समंदर में रेत या गाद का सतरी जखीरा दो कुर्रे हवा के दबाव को नापने की एक इकाई इसके लिए आमतौर पर मिली बार इस्तेमाल किया जाता है बाकन अ क्रेसेंट शेप्ड माउंट ऑफ सैंड विच इज डिपोजिटेड बाय द विंड ब्लोइंग कॉन्स्टेंटली फ्रॉम वन डायरेक्शन इन अ डेजर्ट दी सैंड डिपॉजिट्स राइज टू वेरियस हाइट्स अप टू फिफ्टी मीटर एंड एडवांस स्लोली द विंडवर्ड साइड हैज कॉन्वेक्स जेंटल स्लोप विद मैक्सिमम हाइट एट द सेंटर द कॉन्केव लीवर्ड साइड इज स्टीपर दीज लैंडफॉर्म्स आर फाउंड इन था डेजर्ट इन इंडिया टू एंड ऑफ द बास एंड पॉइंट टू द डायरेक्शन द विंड ब्लोव चापाकार टिब्बा एक अर्धचंद्राकार चापाकार बालू का टीला जो मरुस्थल में वायु के लगातार एक ही दिशा में बहने से निक्षेपित होता है ये बालू निक्षेप विभिन्न ऊंचाइयों पचास मीटर तक उठते हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं पवनाभिमुख पक्ष का ढाल उत्तल मंद होता है एवं अधिकतम ऊंचाई इसके मध्य में होती है अवतल प्रतिपवन पक्ष में खड़ा ढाल होता है ये भूआकृतियाँ भारत के थार मरुस्थल में पाई जाती हैं चापाकार टिब्बे के दोनों छोर जिन्हें श्रृंग कहते हैं पवन के बहने की दिशा की ओर संकेत करते हैं बरखान या बरकान रेगिस्तान में एक सिमत में चलने वाली मुस्तकिल हवाओं के ज़रिए जमा किए गए हिलाल नुमा रेत के तोदे रेत का जमाव मुख्तलिफ ऊँचाइयों पचास मीटर तक होता है और धीरे धीरे बढ़ता है हवा के रुख में महद्दबी सुस्त ढाल की मरकज़ में ऊँचाई सबसे ज्यादा होती है जो फी पहलू रुख लीवर्ड साइड तेज़ ढाल वाला होता है ये ज़मीनी हयतें हिंदुस्तान के थार रेगिस्तान में मिलती हैं हिलाल नुमा तोदों के दोनों किनारे सींग की शक्ल के होते हैं और बहने वाली हवाओं के रुख की तरफ इशारा करते हैं पेज थर्टीन बारग्राफ सीरीज ऑफ कॉलम्स वर्टिकल और बाज वर्टिकल और हॉरिजोंटल ड्रॉन ऑन ए सिलेक्टेड स्केल प्रोपोर्शनल इन लेंथ टू द क्वांटिटीज दे रिप्रेजेंट ग्राफ चयनित मापक पर बनाए गए स्तंभों ऊर्ध्वाधर अथवा दंडों की ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज श्रृंखला जिनकी लंबाई प्रतिनिधि मात्राओं के अनुपात में होती है बार ग्राफ़ मकदारों को जाहिर करने के लिए लंबाई में तनासुबी मुकर्रा पैमाने पर खींचे गए सुतून का उमूदी या उफकी सिलसिला बैरोमीटर An instrument to measure the atmospheric pressure. Vayu dabamapi, vayu mandali dab ko maapne ke liye ek hi antar. Badepema, hawa ke ka ek aala. Barrier reef, a long and thick accumulation of corals parallel to the coast and separated from it by a wide lagoon. एग्जाम्पल ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया प्रवाल रोधिका तट के समानांतर एक लंबा व सघन प्रवालों का संचय जो तट से एक चौड़ी लगून द्वारा पृथक अलग हो जाता है उदाहरणतया ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट बैरियर रीफ सिद्धि रीफ चौड़ी लगून से अलग साहिल के मुतवाजी मरजान का लंबा और मोटा जमाव मसलन ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ बाटर बाटर सिस्टम अ डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ प्रोड्यूस बिटवीन टू पार्टीज फॉर म्यूचुअल एडवांटेज विदाउट द यूज ऑफ एनी मीडियम मनी क्रेडिट टोकन्स एटसेट्रा वस्तु विनिमय वस्तु विनिमय पद्धति दो समूहों या व्यक्तियों के बीच परस्पर आपसी लाभ हेतु उत्पाद का सीधा आदान प्रदान जो बिना किसी माध्यम धन उधार टोकन इत्यादि के किया जाता है निजाम मुबादला किसी वसीले पैसा कर्ज और टोकन वगैरह के बगैर दो फरीकों के दरमियान बाहमी फायदे के लिए अशिया का बराह रास तबादला पेज फाइन बेसल्ट एंड डार्क कलर्ड इग्नियस रॉक एग्जाम्पल रॉक्स फाउंड इन ट्रैप, इनडेक एक प्रकार की सूक्ष्म कणिये एवं गहरे रंग की आग्नेय शैल जो लावा के संपीडन से बनती है उदाहरणतया डक्कन के पठार में पाई जाने वाली शैलें बिस बारीक दानेदार और गहरे रंग की आतिशी चट्टान मसलन डक्कीन के पहाड़ी इलाके डक्कन ट्रैप में चलने वाली चट्टाने बेस लेवल द लोएस्ट लेवल टू विच अ रिवर कैन कट डाउन और अ लैंड सर्फेस कैन बी रिड्यूस्ड और इरोडेड दे कैन बी मेनी लोकल बेस लेवल्स बट थियोरेटिकली सी लेवल इज टेकन एज द अल्टीमेट बेस लेवल निम्नतम तल नदी का वो निचला तल जहां पर एक नदी गहराई तक काट सकती है अथवा एक भूपृष्ठ अपर्दित हो सकता है सैद्धांतिक रूप से समुद्र तल को ही निम्नतम तल माना जाता है किंतु कई स्थानीय निम्नतम तल भी हो सकते हैं असासी सतह है। वो निचली सतीन सतह जहाँ तक कोई नदी कटाव कर सकती है या एक जमीनी सतह का कटाव हो सकता है मकामी असासी सतहें कई हो सकती हैं लेकिन उसूली तौर पर बिल आखिर सतह समंदर को ही असासी सतह तस्लीम किया जाता है बेस पॉपुलेशन द टोटल पॉपुलेशन ऑफ एन एरिया एट द बिगिनिंग ऑफ ए गिवन टाइम पीरियड आधार जनसंख्या निश्चित काल अवधि के आरंभ में किसी क्षेत्र की कुल जनसंख्या असासी आबादी मुकर्रह वक्त की इब्तदा में किसी इलाके की कुल आबादी बेसन वन एंटायर एरिया कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द फ्लो ऑफ अ रिवर सिस्टम टू इन जियोलॉजी दिस टर्म रेफर्स टू अ डिप्रेस्ड लैंडफॉर्म ऑन द अर्थ सर्फेस कॉज्ड बाय सब्सिडेंस और अ डाउनफोल्ड बेसन एक वो संपूर्ण क्षेत्र जो नदी तंत्र के प्रवाह में योगदान देता है दो भूविज्ञान में इस शब्द का संबंध धरातल पर अवनमित भू आकृति से है जो अवतलन अथवा नतवलन से बनी है पास, एक किसी दरियाई निजाम के बहाव में मविन पूरा इलाका दो इल्म अर्जियात में ये अतलाह सतह जमीन पर ऐसी धसी हुई जमीनी शक्ल के लिए इस्तेमाल होती है जो धसाओ या जेरी खमीदगी से बनती है बैथोलिथ एन इनोमस मैस ऑफ सब सरफेस इंट्रूसिव इग्नियस रॉक एक्सटेंडिंग ओवर लार्ज एरियाज इट इज फॉर्म्ड बाय स्लो कूलिंग ऑफ अपवर्ड मूविंग मैकमा इट मेक्स रूम फॉर इट्सैल्फ बाय डिजोल्विंग ओवरलेइंग रॉक्स बट इट डज नॉट रीच द ग्राउंड महास्कंद अर्धस्थलीय अंतर्वेधी आग्नेय शैलों का एक विशाल समूह जो बृहत क्षेत्र में विस्तृत है ये ऊपर उठते हुए मैग्मा के धीरे धीरे शीतलन से बनता है ये उपरिषायी शैलों को पिघलाकर अपने लिए स्थान बनाता है किंतु स्थल तक नहीं पहुँचता बैथुलित जमीन की जेली सतह पर अंदरूनी दाखिली आतिशी चट्टानों का एक वसी हजम जो ऊपर उठते हुए मैग्मा के आहिस्ता आहिस्ता ठंडा होने से बनता है ये खुद ऊपर की चट्टानों को पिघलाकर अपनी जगह बना लेता है लेकिन सतह जमीन तक नहीं पहुंचता बेसिक इंडस्ट्री इट प्रोवाइड्स बेस सच एज मशीनरी और रॉ मटेरियल फॉर अदर इंडस्ट्रीज एग्जाम्पल आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज मशीन एंड टूल इंडस्ट्रीज एट्सेट्रा मूलभूत उद्योग वो उद्योग जो अन्य उद्योगों को आधार जैसे यंत्रावली मशीनरी अथवा कच्चा माल प्रदान करता है उदाहरण के लिए लोहा इस्पात उद्योग यंत्र एवं औजार उद्योग इत्यादि बुनियादी सनत ये सनत दीगर सनतों को मशीनरी या खाम माल जैसी असास फराहम करती है मसलन लोहे और फौलाद की सनतें मशीन और औजार की सनतें बॉक्साइट अ मिनरल ओर फ्रॉम विच एल्यूमिनियम इज एक्सट्रैक्टेड बॉक्साइट खनिज अयस्क जिसमें से एल्यूमिनियम का निष्कर्षण होता है बॉक्साइट एक कच धात जिससे अल्यूमिनियम हासिल किया जाता है बे अ वाइड माउथड इंडेंटेड पोर्शन ऑफ द सी जनरली सेमी सर्कुलर टू आर्क इन शेप एग्जाम्पल बे ऑफ बेंगाल खाड़ी समुद्र का चौड़े मुख वाला दंतुरित भाग जो सामान्यतया अर्धवृत्ताकार से लेकर चाप के आकार का होता है उदाहरणतया बंगाल की खाड़ी खलीज समंदर का अंदर घुसा हुआ चौड़ा दहाना जो शक्ल में आमतौर से निस्फ दायरवी या मेहराबी होता है मसलन खलीज़ बंगाल Beach. A landform of unconsolidated materials, sand, shingle, deposited by sea waves along the interface of the land and the sea. Beaches have gentle slope. Example Marina Beach at Chennai. Page 15. pulan Ek bhu akriti, jo samudri evam antara prisht ke saath, saath samudri tarangondwara asangathit samagri. बालू समुद्री कंकड़ के निक्षेपण से बनी है जैसे चेन्नई में मरीना बीच साहिली रेगजार या बीच समंदर और जमीन के इतसाल के साथ साथ समंदरी लहरों के जरिए जमाशुदा बिखरे हुए मादे रेत संगरेजे की जमीनी शक्ल साहिली रेगजारों का ढाल सुस्त होता है मसलन चेन्नई का मेरीना बीच बर्ग वन अर्मन वर्ड फॉर अ सिंगल हिल एग्जाम्पल वोगल्सबर्ग इन जर्मनी टू अ डच वर्ड फॉर माउंटन रेंज एग्जाम्पल ड्राकंसबर्ग इन साउथ एफ्रीका वर्ग एकाकी पहाड़ी के लिए जर्मन शब्द उदाहरणतया जर्मनी में वोगल्सबर्ग तो पर्वत श्रेणी के लिए डच शब्द जैसे दक्षिण अफ्रीका में ड्रैकन्सबर्ग बर्ग एक जर्मन जुबान में इकलौती पहाड़ी के लिए इस्तेमाल होता है मसलन जर्मनी में वोगल्सबर्ग। दो डच जुबान में ये पहाड़ों के सिलसिले के लिए इस्तेमाल होता है मसलन जनूबी अफ्रीका का ड्रैकन्सबर्ग बायोडाइवर्सिटी वाइड रेंज ऑफ वैराइटीज़ इन फ्लोरा एंड फोना फ्रॉम इंडिविजुअल पार्ट्स ऑफ कम्युनिटीज़ टू इकोसिस्टम रीजन्स एंड द होल बायोस्फेयर इट इंक्लूड्स स्पीशीज जेनेटिक एंड इकोसिस्टम्स डायवर्सिटी जैव विविधता वनस्पति जात एवं प्राणी जात के विविध प्रकारों का बृहत वर्ग जिसमें समुदायों के विशेष भागों से लेकर पारितंत्र प्रदेश तथा सम्पूर्ण जैवमंडल आता है इसमें जातियाँ आनुवंशिक एवं पारितंत्रीय विविधता सम्मिलित है हयातियाती तनु ग्रोहों के इनफरादी हिस्सों से लेकर माहौलियाती निज़ाम के खितों और पूरे हयातियाती कुर्रे तक पेड़ पौधों और जानवरों की मुख्तलिफ अकसाम का वसी सिलसिला इसमें नस्ली इसलाफी और माहौलियाती निज़ामों का तनु शामिल है

एवं रसोई अपशिष्ट से प्राप्त किया जाता है ये मीथेन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण है बायोगैस नामियाती मदों अमूमन बेकार अशिया मसलन पौधों और जानवरों के बाक़यात जानवरों के फजले और बावरची खाने के कूड़े करकट से हासिल होने वाला एक गैसदार ईंधन ये मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मुरक्ब होता है बायोजोग्राफी द स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड देयर इंटर रिलेशनशिप विद द एनवायरमेंट इन स्पेस एंड टाइम जीव भूगोल पौधों एवं प्राणियों के वितरण तथा उनके पर्यावरण के साथ स्थान तथा समय के परिप्रेक्ष्य परस्पर संबंध का अध्ययन हयातियाती जोग्राफिया पौधों और जानवरों की तकसीम का मतला और जुबानो मकान में माहौल के साथ इनका बाहमी ताल्लुक बायोमैस द टोटल मैस ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स कम्युनिटी और ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन अ गिवन एरिया और अ पर्टिकुलर ट्रोफिक लेवल जीव भार या जैव मात्रा किसी निश्चित क्षेत्र में अथवा विशेष पोषण रीति में विशिष्ट जीवों समुदाय अथवा सभी जीवित जीवों का कुल समूह हयातियाती हजम किसी मुक्र इलाके या किसी मखसूस गजाई सतह पर इंफिदी नामियाती गोह या तमाम जी रोह नामियात का मजमू हजम बायोम अ रिकगनाइजेबल असेंबलेज़ ऑफ प्लांट एंड एनिमल लाइफ जनरली कवरिंग लार्ज टेरेस्ट्रियल एरियाज A biome is defined by the type of plant life that dominates within it. Example, boreal forest is dominated by conifers, while savanna is dominated by a combination of scattered, thorny, or bulbous trees, shrubs, and grass. Jivom Samanyataya kshetra ka avaran evam prani evamprani ka jana pehchana jamaav. जीवोम को एक प्रकार के पादप जीवन के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसका प्रभुत्व उस जीवोम के भीतर ही होता है उदाहरणतया बोरियल वन में शंकु वृक्षों का प्रभुत्व होता है जबकि सवाना में प्रकीर्ण कटीले अथवा कंदीय वृक्षों झाड़ियों एवं घास के सम्मिश्रण का प्रभुत्व होता है हयातियाती खिता नबाताती और हैवानी जिंदगी का काबिल ज़िक्र ख़त्ता जो अमूमन बड़े इलाके का अहाता करता है हयातियाती ख़ते का तयन नबाताती ज़िंदगी से इस नौत से किया जाता है जिसकी कसरत उसके अंदर होती है मसलन बालाई शुमाली जंगल में नोकीली पत्तियों वाले दरख्तों की कसरत है जबकि सवाना में मुंतशिर छदरे कांटेदार या प्याज नुमा दरख्तों झाड़ियों और घास काबा होता है Biosphere. The intersection between zone of land, air, and water containing all forms of life on the earth. It is a narrow zone covering lower part of atmosphere, upper part of lithosphere, and upper part of the hydrosphere. Jeev mandal. Bhumi. Vayu. Evam jal ke beach ka prati chedan mandal. Jisme. पृथ्वी के सभी प्रकार के जीवन अंतर्विष्ट हैं ये एक संकीर्ण मंडल है जो वायुमंडल के निम्नतर भाग स्थल मंडल के ऊपरी भाग एवं जल मंडल के ऊपरी भाग को समाहित करता है हयातियाती कुर्रा जमीन पर जिंदगी की तमाम शक्लों पर मुश्तमिल खुशी हवा और पानी के खितों के दरमियान हद फासिल ये एक तंग खित्ता है जो हवा के निस्पतन निचले हिस्से और कुर्राय हिजरी के ऊपरी हिस्से और कुर्राय आब के ऊपरी हिस्से को मोहित है पेज बायोटिक, टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्लांट्स एंड एनिमल्स जैविक जीवित जीवो पौधों एवं प्राणियों से संबंधित हयातियाती, जानदार नामियात यानी पौधों और जानवरों के मुतालिक बर्थ रेट द नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स पर थाउजेंड पॉपुलेशन पर फॉर अ जोग्राफिकल एरिया जन्म दर किसी भौगोलिक क्षेत्र में प्रति वर्ष प्रति हजार जनसंख्या व्यक्तियों पर जन्म लेने वाले जीवित शिशुओं की संख्या शरह पैदाइश किसी जोग्राफियाई इलाके के लिए फी हजार आबादी पर सालाना जिंदा तादादे पैदाइश बिटूमिनस कोल अ वैरायटी ऑफ कोल विच इज गुड इन क्वालिटी बर्न्स ईजिली एंड गिव्स आउट फ्लेम्स विद लेस स्मोक ड्यू टू हाई कार्बन कॉन्टेंट इट इज यूज फॉर मेकिंग कोकिंग कोल। बिटूमिनस कोयला एक प्रकार का कोयला जिसकी गुणवत्ता अच्छी होती है आसानी से जलता है तथा उच्च कार्बन मात्रा के कारण कम धुएं के साथ ज्वाला देता है ये कोककारी कोयला बनाने के काम आता है बिट्टोमिनस कोयला कोयले की वो किस्म जिसका मैार अच्छा होता है जो अच्छा जलता है और जिसमें कार्बन की ज्यादा मकदार की वजह से कम धुएं के साथ शोले निकलते हैं इसका इस्तेमाल कोक कोयला बनाने में किया जाता है ब्लैक गोल्ड पेट्रोलियम एंड इट्स डेरिवेटिव्स, वेरी वैल्यूएबल काला सोना पेट्रोलियम एवं इसके व्युत्पादित जो बहुत मूल्यवान हैं काला सोना पेट्रोलियम और उसके मुस्तक मादे जो बहुत कीमती होते हैं ब्लैक कॉटन सॉयल अ डार्क कलर्ड ब्लैक क्ले एंड फर्टाइल सॉयल डिवेलप्ड ऑन द डेकन बेसोल्टिक लावा अंडर हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशंस इट इज ऑल्सो नोन एज रेगर सॉयल कॉटन इज एक्सटेंसिवली कल्टिवेटेड इन दिस सॉयल काली कपास का मृदा गहरे रंग की काली मृणमय चिकनी तथा उर्वर मृदा जो दक्कन के पठार में बिसाल्टी लावा पर उष्ण एवं आर्द्र परिस्थितियों के कारण विकसित हुई है इसे रेगड़ मृदा भी कहा जाता है इस मृदा में व्यापक रूप से कपास की खेती की जाती है काली कपासी मिट्टी गर्म और मरतूब हालतों में दक्षिण के बिसटे लावा वाले इलाकों में बनी एक गहरी सियाह और जरखेज मिट्टी इसे रेगर मिट्टी भी कहा जाता है इस मिट्टी में कपास कसरत से उगाई जाती है ब्लिजर्ड वेरी स्ट्रांग कोल्ड विंड्स स्पेशली इन हाई लैटिट्यूड्स अ बाय पाउडरी स्नो एंड समटाइम्स आइस क्रिस्टल्स हिम झंझावात अति शक्तिशाली ठंडी पावने विशेषकर उच्च अक्षांशों में जो अपने साथ साथ चूर्णी हिम तुहिन एवं कभी कभी बर्फ क्रिस्टल लाती हैं बर्फीली आंधी गालीदार बर्फ और औकात बर्फ के बलूरों के हमराह खूस ऊँचे अर्जुल बलदों पर बहुत शदीद सर्द हवाएं ब्लॉक माउंटन एन अपलैंड और हाई रिलीफ बाउंडेड बाय फॉल्ट्स कॉज बाई अपलिफ्ट और सब्सिडेंस भ्रंशोत्थ पर्वत ब्लॉक पर्वत एक उच्च भूमि अथवा अति उच्चावच जो उत्थान या अवतलन के कारण बने भ्रंशों से घिरा हुआ है शुगाफी पहाड़ उभार या धसाओं से पैदा होने वाले शुगाफों से बना खुश्की का ऊंचा इलाका या बुलंद खदोखाल बोल्ड A large piece of rock. Golashma. Shale ka ek brihat tukda. Chattan ka tukda. Ka ek bada tukda. Brackish water. Water having salt content between 15 and 30 parts per thousand, expressed as 0 by 00, which has salinity in between fresh water and seawater. खारा पानी जल जिसमें नमक की मात्रा पंद्रह से तीस भाग प्रति हजार इसे शून्य बटा शून्य शून्य में अभिव्यक्त किया जाता है होती है एवं इसकी लवणता अलवण जल तथा समुद्री जल के बीच की होती है शोर आब या शोर आब पंद्रह से तीस हिस्से फी हजार के दरमियान नमक की मकदार जिसे सिफर बता सिफर सिफर से जाहिर किया जाता है वाला पानी जिसकी नमकीनियत साफ पानी और समंदरी पानी के दरमियान होती है ब्रीज अ विंड ब्लोइंग जेंटली एट अ स्पीड बिटवीन फाइव एंड इलेवन किलोमीटर पर आवर समीर मंद गति से बहती पवन जिसकी गति पांच से ग्यारह किलोमीटर प्रति घंटा होती है बाद नसीम पांच और ग्यारह किलोमीटर के दरमियान घंटे की रफ्तार से चलने वाली हल्की हवा बंदिंग प्रैक्टिस ऑफ कंस्ट्रक्टिंग एम्बैंकमेंट ऑफ अर्थ स्टोन फॉर कंजर्विंग सॉयल एंड वॉटर नॉर्मली ऑन अ स्लोपिंग टेरेन बंध बनाना सामान्यतया ढलवा भूभाग पर मृदा एवं जल का संरक्षण करने के लिए मृदा अथवा पत्थर से टबंध का निर्माण करने की प्रक्रिया पुश्ताबंदी अमूमन ढलवान ना हमवार इलाके में मिट्टी और पानी के तहफ के लिए मिट्टी और पत्थर के पुश्ते बनाने का तरीका लेटर बी ऑफ ट्राइलिंग डिक्शनरी ऑफ जियोग्राफी फॉर स्कूल एनजिया रेड बाय नीरज यादव एंड सुम्बुल शकील यू आर जस्ट लिस्टिंग टू दिस प्रेजेंटेशन प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेशन Rajesh Nimesh Subject Coordination Professor Savita Sinha Project Advice Dr. Bharti Kaushik Technical Coordination Bati Lang Lingdo Framework Advice Ajit Horo Assistance in Production Kusum Lata Produced and Directed by Vandana Arimardan and this presentation is brought to you by CIET NCERT New Delhi, India.